आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको मैं समझाऊंगा आपको बहुत प्यार से, उसको समझिएगा और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ उनको प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, उनका लाइव डेमो देखिए, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को रिजेंबल कीजिए तो आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाती है और आप उसको अच्छी तरह से प्रॉपरली समझ सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नोन एज सोलेनोइड। एक्चुअल में सोलेनोइड होता क्या है तो मैं आपको दिखाने के लिए एक चीज़ लाया हूँ। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्लिकी स्प्रिंग, राइट? आपने बचपन में काफ़ी खेला होगा, मैं भी काफ़ी खेल चुका हूँ इनसे। सो इट इज़ अ स्लिकी रिंग। अगर हम इस स्लिकी रिंग को एक्सपेंड करें, राइट, एक स्प्रिंग जैसा फॉर्मेशन हो रहा है और एक स्पाइरल बाइंडिंग की बुक जो आप देखा होगा उनमें भी इस तरह से प्लास्टिक की रिंग्स बनी होती हैं, राइट? तो इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स हैं, लूप्स बन रहे हैं। देखिए फ्रंट से देखेंगे तो सिंगल लूप लगेगा, लेकिन जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो बहुत लूप्स बनते हैं, इसमें एंड टाइम्स ऑफ लूप्स बना सकते हैं, राइट? तो इस तरह से जो लूप्स बनते हैं और इस तरह का जो पैटर्न होता है स्ट्रेट, हम बोलते हैं सोलेनोइड, राइट? सो अ सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड टर्न्स ऑफ कॉपर वायर्स, राइट? तो मैं आपको उसका भी दिखा देता हूं। अगर मैंने एक सोलेनोइड भी बनाया हुआ है, राइट, दिस इज अ सोलेनोइड, ये पूरा का पूरा सोलेनोइड है, एक स्ट्रेट कैरिंग करंट प्रोड्यूस की जाती है इस करंट कैरिंग कॉइल से, सोलेनोइड से। वो एक्चुअल में एक बार मैग्नेट के जैसे ही लूप और करंट मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करती है। क्या होता है, जब हम सोलेनोइड को एक्सपेंड करते हैं और इसमें से करंट फ्लो करवाते हैं, जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं इसके बीच से, वो अपने आप को एक मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल करती हैं, और जो बाहर से जाती हैं वो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही रिजेंबल करती हैं। इसीलिए जो हमारा सोलेनोइड होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज रिजेंबल एज अ बार मैग्नेट, राइट? पहली चीज तो ये है। और इसके बीच से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस के फॉर्म में निकलती हैं, इसीलिए उनकी स्ट्रेंथ सेम रहती है। आउटर पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उनकी स्ट्रेंथ थोड़ा वीक रहती है एज कंपेयर टू इस लूप के अंदर, जो हम पहले भी समझ चुके हैं क्यों होता है ऐसा, राइट? तो मैं आपको एक सोलेनोइड बना के दिखाता हूं, राइट? सपोज दिस इज अ सोलेनोइड, ठीक है, ये एक सोलेनोइड है, इसमें हमने करंट फ्लो करवा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहां से करंट निकल गया, करंट फ्लो कर रहा है, राइट? अब जब हम इसमें से करंट फ्लो करते हुए देखते हैं, उस कंडीशन में जब करंट फ्लो करता है तो हम क्या चीज नोट करते हैं कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड हो जाएंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी सेंटर ऑफ दिस कॉइल रिमेन्स पैरेलल, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है इनसाइड द सोलेनोइड, हर एक कॉइल के अंदर इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको, राइट? और ये ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप को बाद में थोड़ा सा बेंड कर देती हैं। किस तरह से बेंड करेंगी ये, इस तरह से, राइट? ऊपर वाला मैं ज्यादा दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि टॉपिक कट जाएगा, आपको मैं यहां से शो कर देता हूं, ये कुछ इस तरह से शो हो जाएंगी, राइट? अब हमें डिसाइड करना है नॉर्थ पोल, जो हमने प्रीवियस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट देखा था। अगर मैं इस लूप में देखूं तो मेरा करंट का लूप, अगर मैं इस फ्रंट से पकड़ के देखूंगा तो करंट का लूप कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट? करंट ये गया फिर अपवर्ड डायरेक्शन में आया, तो अगर मैं इस फ्रेम को खड़ा कर देता हूं फ्रंट में ऐसे, तो मेरा करंट का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण क्या हो जाएगा, आपको वैसे इसमें जो दिख रहा होगा वो क्लॉकवाइज दिखेगा, बट मैं फेस ऑफ द करंट, सपोज दिस, ये अगर सोलेनोइड है और मैंने इसमें से करंट इस तरह से फ्लो करवाया है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी रिंग यहां से आई है, राइट? तो इसमें से मैंने इस तरह से करंट फ्लो कराया, तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, आपको शो होगा क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो मुझे यहां पे कौन सा पोल मिल जाएगा, नॉर्थ पोल, और यहां पे कौन सा बन जाएगा, साउथ पोल। सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ सोलेनोइड से कुछ इस तरह से दिखाई देगी, राइट? तो ये हमारा सोलेनोइड होता है। सोलेनोइड में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग रहेगी एज कंपेयर टू बाहर वाली मैग्नेटिक, और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, राइट? सो जो सोलेनोइड होता है, दूसरी चीज हमने बोला, सोलेनोइड रिजेंबल्स अ बार मैग्नेट, राइट? तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड
एक दूसरे को रिजेंबल करती है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट जो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, तो यहां पे हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ राइट ऑफ सोलेनोइड किस पे डिपेंड करेगा. पहला चीज तो करंट पे, कि आप कितना करंट, ये कैसे डायरेक्टली डिपेंड, सॉरी मैं पूरा लिख देता हूं, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट राइट. और दूसरा डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. मीन्स आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की. तीसरा कोर मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, जो वायर हम यूज कर रहे हैं किस तरह की वायर्स हैं, उसके नेचर ऑफ कोर मटेरियल कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगी.